श्रद्धा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज यूपी सरकार 2024-25 का अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें 2025 के प्रयागराज में होने वाले कुंभ, पर्यटन स्थलों के विकास और बसों की खरीद के लिए धनराशि जारी की जाएगी। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस अनुपूरक बजट को पेश करेंगे, जिसे 1 अगस्त को पारित किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आज यानी कि 30 जुलाई से जूनियर इंजीनियर पद और अन्य पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। बता दें कि उम्मीदवारों की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। आज श्रीलंका और इंडिया के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि दोनों के बीच ये मैच श्रीलंका के पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि पिछले दोनों मुकाबले जीतकर इस श्रृंखला को भारत पहले ही अपने नाम कर चुकी है। यात्रियों की मांग पर रेलवे ने कोटा इंदौर कोटा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। इस ट्रेन का संचालन आज यानी कि 30 जुलाई से 20 अगस्त तक किया जाएगा। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में 4-4 फेरे लगाएगी। शिक्षा विभाग में बंपर नौकरियां निकली हैं, जिसमें आवेदन की आज आखिरी तारीख है। बता दें कि यूपी शिक्षा विभाग की इस भर्ती में चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं, जिसमें कर्मचारी, चपरासी, चौकीदार, स्वीपर, माली, फर्राश समेत कई अन्य पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ये भर्ती उत्तर प्रदेश के मथुरा और फिरोजाबाद के लिए की जानी है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डे का बुधवार 31 तारीख को शपथ लेंगे, जिसके लिए वो आज रायपुर पहुंचेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी सिन्हा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज 11 बजे से झारखंड के सिमडेगा में जिला परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि बैठक में सभी संबंधित अधिकारी एवं सभी सदस्यों से उपस्थित रहने की अपील की गई है। आज ओबीसी एकता अधिकार मंच की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त बिहार में आरक्षण 27% था, वहीं परंतु झारखंड में ये घटाकर 14% कर दिया गया है। कश्मीर में इन दिनों गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिनों श्रीनगर शहर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिसके चलते कल यानी 29 और आज घाटी के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश यहां के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि गोंडा, गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, बरेली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन 1836 में अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। आज ही के दिन 1886 में देश की पहली महिला विधायक एस मुथु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1909 में राइट बंधु ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था। आज ही के दिन सन 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का विश्व कप पहली बार जीता था। आज ही के दिन सन 1980 में वानुआतो देश को स्वतंत्रता मिली थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।